नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। देर इज प्रदीप जी। यस आ गए। चलिए, और आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से बहुत 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 बधाई दिवाली की, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। नेशन नाउ की तरफ से आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। प्रदीप जी, हमारी आपको जंबो टू ऑल व्यूअर्स इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वेयर एवर दे स्पीक स्वाहिली, एंड नी हाओ इन जापानीज, कुनिचिवा, सॉरी, नी हाओ इन चाइनीज, कुनिचिवा इन जापानीज टू एवरीबॉडी। सो प्रदीप जी, 500 इयर्स लेटर दीपावली बीइंग सेलिब्रेटेड एट द राम टेंपल इन अयोध्या, अयोध्या के न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेंपल में 500 बरस के बाद दीपावली मनाई गई है आज। सर, आज प्राण प्रतिष्ठान वाज अ सेलेस्टियल इवेंट, द आरएसएस कॉल्ड इट अ सेलेस्टियल इवेंट। अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, पाताल, हर चीज बेताबी से प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे, और आज अयोध्या जिस प्रकार से सजा हुआ है, आई थिंक अखंड ब्रह्मांड इज अ सेलेस्टियल इवेंट इवन टुडे। That's right. आज 500 साल के बाद प्रभु राम अयोध्या पधार रहे। इट्स अ ग्रेट इवेंट, एंड जिस प्रकार से सजाया है अयोध्या को, इट्स अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स व्हाट दे कॉल्ड समथिंग दैट अखंड ब्रह्मांड इसी वक्त के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। 22 फरवरी 12:22 yes. को प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आज वहां पर हर जगह पर दीप जलाए गए, कल भी चलाए जाएंगे ऑफ कोर्स। सरयू तट पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। व्हाट वाज दैट? कोई अयोध्या का कुछ मेरे कान में बज रहा था। दे वर ट्राइंग टू शो यू लाइव फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या से लाइव। देयर इट इज, अयोध्या से, अयोध्या की पहली पिक्चर्स हैं। दीपावली की, दीपावली सेलिब्रेशन जो शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी। मैं उम्मीद करता हूँ ये दिवाली आए, सबके घर में खुशियाँ लाए, सबको नौकरियाँ मिले, जैसा कि मोदी साहब ने प्रॉमिस किया था, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, 15 लाख हर एक के अकाउंट में, और ना जाने बाकी सब कुछ, एक एक चीज़ जो है वो फुलफिल हो, भारत जो है वो सुखद हो, हर भारतीय जो है उसके घर में खुशियाँ आए, बल्कि पूरी दुनिया में खुशियाँ आए। प्रदीप जी, इनफैक्ट द वाइट हाउस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, डे फॉर यस्टरडे दे सेलिब्रेटेड दिवाली। Joe yes, Biden yes. celebrated Diwali, and it's the a Canadians universal event actually. Yes, and the Canadians cancelled Diwali. चलिए साहब, आपको अंधेरा पसंद है, आपकी मर्जी, देश आपका, बाकी सब आपकी, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, वापस आए महाराष्ट्र में, इस वक्त हमारे साथ हैं, वी हैव 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट इंडीड। भारतीय जनता पार्टी से विनायक अंबेकर साहब पुणे से, आसिफ फारूकी साहब मुंबई से, कांग्रेस के अरुण सावंत साहब शिवसेना के मुंबई से। अरुण सावंत साहब बड़े दिनों के बाद तक आ रहे हैं। अरुण सावंत साहब नमस्कार। बजाज जी और प्रदीप जी, नेशन नाउ को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरे नेशन को महाराष्ट्र की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है साहब। विनायक अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी जी हमारे तरफ से, नेशन की तरफ से आपको भी, एंड फैमिली। क्या बात है सर। और 500 बरस के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपावली मनाई जा रही है सर, उसकी और भी शुभकामनाएं। रियली वंडरफुल डे, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया, क्या बात है। अरुण सावंत साहब, इतने दिनों से आप कहां थे? मतलब आप शो में आ नहीं रहे थे, मैंने सुना कि पता नहीं क्या हो गया, भाई साहब जो है कहीं चले गए, क्या हो गया? मैंने सुना आप अमेरिका गए इलेक्शन लड़ने के लिए, वहां से। महाराष्ट्र की राजनीति में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ जी, काफी अलग अलग चैनल के ऊपर मेरे इंटरव्यू चल रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की मजा नेशन नाउ के ऊपर आपके साथ बात करने में आती, क्या बात है, शांति से आप पूछते हैं, सुनते हैं, उसमें एक अलग ही प्रकार का मजा होता है। मुझे भी इंतजार था कि चलो आज मुझे दीपावली के शुभ अवसर पर बजाज साहब से और प्रदीप साहब से बात करनी है। तो अरुण सावंत साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आए हैं। अरुण सावंत साहब, दो चीजें, सबसे पहले नंबर 1, अजीत दादा पवार साहब ने
नवाब मलिक जी को ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया। मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैं तो पूछूंगा अभी, अंबिकर साहब जरूर इसके बारे में जवाब देंगे, दे आर फीलिंग बिट्रेड। और बाकी अलायंस के भी आपके जितने पार्टनर हैं सब लोग बिट्रेड फील कर रहे हैं। सुरेश पाटिल साहब वहां से आपके आधिकारिक कैंडिडेट हैं जो आपकी पार्टी से, बुलेट पाटिल जिनको कहा जाता है, लेकिन आपको लगता नहीं कि सर ये अवॉइडेबल था, इसको नहीं करना चाहिए था? मुझको ऐसा लगता है। बोलिए सर। बजाज जी, आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पार्टी के जो प्रमुख नेता है, राष्ट्रीय नेता है अजीत पवार जी, अजीत पवार साहब डिप्टी सीएम, उनको क्या लगता है और उनको जो लगता है वो निर्णय उन्होंने वो ले चुके हैं। अभी उनके निर्णय में हम अगर दखल अंदाजी देने लगे तो वो उचित नहीं होगा। उसका निर्णय जनता लेगी, क्या है क्या उसके ऊपर उचित होगा या क्या नहीं होगा, वो हमारी टिप्पणी उसके ऊपर, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ करना नहीं चाहूंगा। अरुण सावंत जी, बट आपके ऊपर आरोप था असंवैधानिक सरकार, भ्रष्ट सरकार, घटना बाहर सरकार, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार, मगर एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस, अजित पवार जी, महायुति ने जबरदस्त तरीके से लाड़की बहन, लाड़का बहू, अभी लाड़का शेतकरी 1 रुपी क्रॉप इंश्योरेंस, 125 लाख हेक्टर जो बैंबू प्लांटेशन, 125 इरिगेशन प्रोडक्ट्स, आपने तो स्टंप कर दिया है पूरे महाराष्ट्र को। और ये कैसा, तो ये विरोधी मगर फिर भी वही असंवैधानिक, कैसे आप यू नो हाउ यू गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंट देम? प्रदीप जी, इस महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2.5 साल में एक से बढ़कर एक जो जो जनहित के काम किए वो आपने सभी गिनवाए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की ओर से। दूसरी बात, ये जो विरोधी पार्टी है हमारे यहाँ पे है, MVA, उसका फुल फॉर्म होता है महाविरोधी आघाड़ी। हर अच्छी योजना को विरोध करना, यही एक काम उनके पास बचा हुआ है। और इसीलिए इस पार्टी के सभी नेता, तीनों पार्टियों के सभी नेता, और उसमें खास करके आदित्य ठाकरे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी, विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले, इनका रोल मेन होता है। इनके पास कोई विजन नहीं है, ना ही कोई एजेंडा है उनके पास, क्योंकि अगर उनके पास अगर कोई जनता के हित में एजेंडा होता तो जरूर उस एजेंडा के ऊपर वो बात करते हैं। उनके पास इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर कोई विजन होता तो वो विजन जनता को वो दिखाते कि हम आने वाले 5 साल में अगर आपकी कृपा से हम जीत के आए तो क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो काम हमने 2.5 साल में अच्छे किए हैं उसको बुरा करने में लगे रहते हैं और आरोपबाजी करने में रहते हैं। घटना के द्वारा यहाँ की सरकार प्रस्थापित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, ईसी ने जो आदेश दिए उसके अनुसार ये सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी हर आए दिन जनता को गुमराह करने का काम महाविरोधी आघाड़ी की ओर से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता सजग है, आने वाले कुछ ही दिनों में इस सरकार को फिर एक बार उन लोग सत्ता पर बिठाएगी और महाराष्ट्र का जो विकास हो रहा है उस विकास में बाधा आने को यहाँ की जनता बिल्कुल देगी नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अरुण सावंत जी, मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ कि जो कुछ भी हो आप लोगों ने किसानों के बारे में जो बातचीत करी है, चलिए लड़की बहन तो आपकी स्कीम है, अग्रसर स्कीम है वगैरह वगैरह, जो आपने कहा ना, जो 125 किसानों के लिए अलग अलग इरिगेशन स्कीम्स, बाकी अलग चीज महत्वपूर्ण जो है, 1 रुपए का बीमा और पूरी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो आपने माफ किए, मुंबई है जी, और उसके अलावा नॉन क्रीमिलियर की जो सीमा थी 8 लाख से हम डायरेक्ट 15 लाख तक कर चुके, जिसमें लाखों लोगों को, ओबीसी बांधवों को, मराठा बांधवों को फायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, मेरे खुद के लिए, कि बिजली की सप्लाई जो है आप जो है वो सुबह दे रहे हैं, किसानों के लिए बिजली की सप्लाई सुबह दे रहे हैं, क्योंकि रात को क्या होता था आपको मालूम ही है, आप खुद किसान है आपको मालूम है रात को क्या होता था, वो जंगली सुअरों का झुंड आ जाता है, नीलगाय आ जाती है, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, पूरी फसल खराब हो जाती है, किसानों की हालत खराब हो जाती है सबकी। सो ये जो मॉर्निंग में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप दे रहे हैं फार्म्स में, विलेजेस में, दैट इज फॉर दैट यू नीड टू बी कंग्रेचुलेटेड, एंड वी नीड टू वेलकम आसिफ फारूकी साहब ऑफ द कांग्रेस। आसिफ फारूकी साहब इज विद अस नाउ। आसिफ फारूकी साहब, वेलकम टू द शो, हैप्पी दिवाली टू यू सर। नमस्कार।
नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। कैसे हैं अरुण जी आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बाद आपको देख रहे हैं। हमारे साथ अरुण सावंत जी हैं और हमारे साथ विनायक अंबिकर जी हैं। विनायक अंबिकर जी नमस्कार जी। विनायक अंबिकर जी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे सर, आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े बड़े परम मित्र नवाब मलिक साहब के बारे में? मतलब मेरे तो बड़े अच्छे मित्र हैं साहब, और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि वो चुनाव लड़ रहे हैं मानखोट शिवाजी नगर से। सना जो उनकी बेटी हैं वो लड़ रही हैं साथ वाले अनुशक्ति नगर से, वो इधर से लड़ रहे हैं। तो सर ये इसके बावजूद अमित शाह जी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा, हमारे आशीष शेलार साहब ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आदमी जो है दाऊद के साथ इन्वॉल्व है, उसके बावजूद उसको ए बी फॉर्म दे दिया गया। मुझे तो लगता करार हो गया था, सब मान गए थे, लेकिन उसके बाद क्या समथिंग हैपेंड दैट वी डोंट नो अबाउट सर? अंबेकर साहब कुछ रोशनी डालेंगे सर आप इस पे? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे को पैनलिस्ट को भी दिवाली की शुभकामनाएं। और ये जो मेरे पहले भाई ने बताया कि उनके पार्टी का निर्णय है उसके ऊपर हमने टिप्पणी करना ये गलत बात होती है। हमने जो करना है वो हमारे पार्टी ने तय किया है कि दूसरे उम्मीदवार को हम उधर से ऑफिशियल कैंडिडेट करके घोषित किया है और उसको हम चुन के लाएंगे। But that is not exactly what I expect from the BJP, sir. Why Devendra not? Fadnavis saab said very clearly that we'll have no truck with any party that gives support to anybody who's connected to Dawud. Aisa Devendra Fadnavis ji ne kaha hai. To main aapko bata raha hu sir, andar ki feeling kya hai. I'm sure you must have also got this feedback. As an official spokesman, I'm sure you can't say this in public. Bharatiya Janata Party ke jo log hain, jo loyalist hain, संघ के जो लोग हैं, जो टोटल लॉयलिस्ट हैं, वो कहते हैं क्या हम लोग इतने कमजोर पड़ गए हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते हम लोग संबंध अजीत दादा पवार से? आप जाइए, आप बैठिए नवाब मलिक की गोद में, बैठिए दाऊद की गोद में बैठिए, हम क्यों आए आपके साथ? अंबिकर साहब, आपको किसने ऐसे कौन से संघ के व्यक्ति ने बोला ये मुझे मालूम नहीं है। मैं भी संघ का व्यक्ति हूँ जी, मेरे उम्र के 10 साल से मैं संघ की शाखा में ज्वाइन किया हूँ। आनी बानी में मैंने 1.5 महीना येरोड़ा कारागृह में बिताया है, तो मुझे भी संघ नज़दीकी से मालूम है। संघ कोई भी राजकीय चीज में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, एक बात हो सकती है, कोई संघ का स्वयं सेवक अपने व्यक्तिगत रूप में कोई टिप्पणी कर सकता है, मगर वो संघ का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि पार्टी ने क्या डिसीजन लेना है, हर पार्टी ने, वो हर उस पार्टी का उसका प्रेरोगेटिव है, उसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते। मगर महायुति करके हमने क्या स्टैंड लेना है वो हमारे पार्टी ने क्लियर किया है कि उनकी उम्मीदवारी को हमारा कोई भी पाठिंबा नहीं है, ना उनको हम चुनके देने वाले हैं। हम हमारा जो ताकत है वो दूसरे उम्मीदवार के पीछे लगाएंगे जी। यू नो अंबेडकर साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका कहना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे टेल दैट यू हैव द फेल्ड, वी हैव फेल्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, यू हैव बीटेड द नेशन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भले देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास पहुंच रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना है कि आपने छोटा सा चीज कोयता गैंग को आप काबू में रख नहीं पाए, ये होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर है। दैट इज व्हाट दे से। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो सब है, बट कोयता गैंग भी है, आपका ये आरोप है, यू कुडंट हैंडल देम वेरी वेल। अंबेडकर साहब, ये सर बालिश बातें है, कोयता गैंग का और इकोनॉमी का क्या संबंध है? कोयता गैंग कोई फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स है, उनको कायदे के तरीके से डील किया जाता है। आपको मालूम है तो पुणे में भी कोयता गैंग का एक बार बड़ा प्रश्न बन गया था, मगर पुणे का जो कमिश्नर है उसने कम से कम 10 गैंग को जब मौका लगा दिया तो उसके बाद में वो ठंडे पड़ गए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, उसको कानून की तरफ से डील किया जाएगा, उसका और इकोनॉमी का क्या संबंध है? आप कैसा उसको कनेक्ट कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स का उनका कहना है कि एवरीथिंग कोलैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, महाराज जी के जब डैमेज हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, बांद्रा टर्मिनस में ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों संख्या में स्टैम्पेड हो जाते हैं, आपने 7,000 ट्रेन का वादा किया था, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स है आप, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, इट्स मल्टीपल। कोयता गैंग में स्मॉल इलस्ट्रेशन दैट यू आर नॉट डूइंग वेल। उनको क्या इलस्ट्रेशन देना है उनका मुद्दा है, जनता को क्या इलस्ट्रेशन समझना है और जनता खुद क्या एक्सपीरियंस करती है उसको वोटिंग के टाइम में समय में जनता महत्व देती है, कांग्रेस क्या कहती है उसको महत्व नहीं देती।
बट यू नो यू बिलीव दैट 7000 ट्रेन आपने प्रॉमिस किया था, फेस्टिवल सीजन अभी आ रहा है, और क्या वो कहीं ना कहीं फेलियर है? बैंड्रा टर्मिनस स्टैम्पेड हो गया, मल्टीपल रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स हो रहा है, महाराज जी के स्टैचूज वगैरह, तो यू नीड टू आंसर, प्रश्न तो उठ रहा है ना अंबेडकर साहब? ऐसे आंसर देते बैठेंगे तो वो मतलब चाइल्डिश गेम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, एक स्टैचू में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है क्या? ये महाराष्ट्र में इतने समृद्धि महामार्ग जैसा मार्ग बना है जिसे एक नागपुर और मुंबई 8 घंटे में हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसे प्रवासी माल वाहतूक इंडस्ट्रियल गुड्स सबका ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सब खुश है, तो उसका किधर तुलना करते आप? कोई भी फेल्योर होता है तो एक मशीनरी का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, उसके ऊपर जांच बिठाई गई है, उसका रिजल्ट आया है, उसको करेक्ट कैसे करना उसका भी तय हो गया है, तो उसको हर एक प्रॉब्लम आता है, इतने बड़े देश में प्रॉब्लम तो आते रहेंगे। लेकिन विनायक अंबेडकर साहब एक चीज तो है, छोटी सी बात है, और ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, नितिन गडकरी साहब और हमारे राम नाईक साहब ये बहुत पहले से कह रहे थे, आज से नहीं, बहुत पहले की बात है, कि जहां तक मुंबई की ट्रांसपोर्ट का प्रश्न है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर मुंबई'स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, टू सॉल्यूशंस एक्चुअली, वन इज टू यूज द सी, सी लेन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम लोग वी आर 7 आइलैंड्स ब्रॉट इन टुगेदर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो लोकल ट्रेन्स हैं उनको बढ़ाइए। कैसे बढ़ाना है? जो लोकल ट्रेन नेटवर्क नीचे जमीन पर चलता है उसके ऊपर एक और लोकल ट्रेन चलाया जाए। दिस बाय द वे केम इवन फ्रॉम द शिवसेना, बाला ठाकरे ऑल्सो एंड नितिन गडकरी जी और राम नाईक जी, दे सेड दिस टू मी इन एन इंटरव्यू, आरकेबी शो में उन्होंने खुद बोला है। उसके ऊपर लगता नहीं सर आपको काम करना चाहिए? अब नाउ द टाइम इज कम टू वर्क ऑन दैट। हमारा सरकार उसके ऊपर 10 साल से काम कर रहा है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा उसका नाम है, नॉमिनक्लेचर है, और मेट्रो उसमें आती है, तो मेट्रो के ऊपर कितना बढ़ावा किया है हमारे सरकार ने, कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना डेवलपमेंट किया है, आप उसके YouTube पर वीडियो है जरूर देख लीजिए, मुंबई का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको हिला दिया है और उसमें बहुत सुविधा उपलब्ध करके दिया है, और लोकल को भी अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे उसके साथ साथ, मगर मुंबई का जो गति बढ़ रही है ट्रैफिक की उसको थोड़ा सा मिसमैच हो गया रहेगा कई जगह पे, वो भी फेस्टिव सीजन पे, तो उसको करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं सर। बिकॉज आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, एज फार एज क्रेडिट इज कंसर्न और मनी इज कंसर्न, एज नितिन गडकरी साहब सेड सो मेनी टाइम, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बड़े आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े आराम से पैसे आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं भी मुंबई के हूँ साहब, प्रदीप जी भी हैं, आसिफ फारूकी साहब भी हैं और अरुण सावंत साहब भी हैं, जहाँ तक लोकल ट्रेन्स का सवाल है, जब तक के लोकल को बढ़ावा नहीं देंगे बहुत अच्छे तरीके से, तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। चलिए इसके बाद में बात करेंगे। आसिफ फारूकी साहब, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं मेरी तरफ से भी सर सबको दीपावली की बहुत बहुत, लक्ष्मी जी की बौछारों, लक्ष्मी जी हर जगह पे खुशी बांटे, हर एक के घर में खुशी आए, खुशहाली आए, और टेंशन ना हो, ये तनाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2 सर, आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस वॉज ओवर कॉन्फिडेंट इन हरियाणा, हरियाणा में आपके पास जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंट था, बच्चा बच्चा बोल रहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, ठीक है सर, महाराष्ट्र में भी अभी आप वही बोल रहे हैं, तो दोबारा हरियाणा ना हो आपके साथ, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं फारूकी साहब? नहीं सर, हम लोगों को जो हरियाणा में गड़बड़ी हुई थी, मुझको लगता है कि एक आपसी अंदर, बाकी जो वहाँ के सिस्टम की गड़बड़ी थी और एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ था, मशीन में गड़बड़ थी, उसके अलावा जो हमारी तहकीक के अंदर निकला कि जो तालमेल लीडरों के बीच में नहीं था, और उसका नुकसान हम लोगों को डायरेक्ट जो पहुंचा है वो हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि हमारे अलायंस पार्टनर प्लस हमारी पार्टी के अंदर जो लीडरों के अंदर कोई ना इत्तेफाकी हो जो घर के अंदर बैठ के सही की जा सकती है, उसके ऊपर हम शुरू से ही ध्यान दिए हुए हैं, और उसके लिए हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि उसका खमियाजा जिस तरीके से हम लोगों ने हरियाणा में भरा है, महाराष्ट्र में उसकी नौबत ना आए और हम लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। आसिफ फारूकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे कि जुमला है डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, मगर यहाँ पर आप देखोगे बीजेपी का पूरा आंकड़ा दिया है, गढ़चिरौली जैसे जगह
जो ना पहले आपके जमा आपके कार्यकाल में नक्सल इन्फेस्टेड एरिया था, आज पूरे तौर पे डेवलपमेंट होने लगा। गढ़चिरौली जैसे एरिया नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, फुल डेवलपमेंट। पुणे में उद्योग, आईटी, एडुकेशन, आरएनडी फुल फ्लेश तरीके से चालू है, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मराठवाड़ा, जलना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लातूर में रेलवे कोच फैक्ट्री, अहिल्या, बीड, परली रेलवे मार्ग, जलना में, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट बिना कोई भेदभाव एक बैलेंस डेवलपमेंट पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है। फिर भी आप हर चीज को जुमला क्यों कह रहे हो फारूकी साहब? हर चीज को आप कहते हैं कि जुमला है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इतना पुश है, उसकी इतनी ज़रूरत है, पब्लिक इतनी, हमारे पास पॉपुलेशन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे पास पैसा आ गया है कि गवर्नमेंट को इस किस्म के काम करने की पुश है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों की वो बात सुन रहा था कि रेलवे के अंदर इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, और मेरे भाई उस बात को छोटा मोटा किस्सा बता रहे हैं कि इतने बड़े देश में इस किस्म के वाक़े हो जाते हैं। लेकिन आप उठा के सीरीज देख लीजिए कि जिस तरीके से पिछले दिनों रेलवे जो फेल हुई, अपने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स गड़बड़ हो रही हैं, वो पैसेंजर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, स्टैम्पेड हो रहा है, जाहिर सी बात है वो कोई बीजेपी गवर्नमेंट खुदा न खासा नहीं करवा रही है और ना कोई दूसरी पार्टी करवा रही है, लेकिन इसका मतलब है कि ये लोग उस चीज़ को पूरी तरीके से संभालने में बिल्कुल नाकाम है और वो उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से आप जो बोल रहे हैं डेवलपमेंट का, तो बांद्रा में आप आगे देख लीजिए, हर सोसाइटी डेवलप हो रही है। और बांद्रा क्या, बम्बई के अंदर जितनी पुरानी सोसाइटीज़ हैं डेवलप हो रही हैं और नई नई बन रही हैं और अच्छे फ्लैट बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी के अंदर अचानक जो है सब लोग सेट हो गए। नहीं, इतना पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा आ गया है कि वो डेवलपमेंट ज़रूरी हो गया है और उससे गरीब भी जो है उसके अंदर हिस्सा ले रहा है और उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए, तो वो टोटल फ्लॉप है। हमारे गटर गड़बड़ हैं, हमारी सड़कें गड़बड़ हैं, अब उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब दरहम बरहम हो गया है। तो इसलिए, और आप नौकरी देख लीजिए कि नौजवान आज परेशान है, 70% नौजवान है हमारे देश में, नौजवान परेशान है। एक ग्रेजुएट जो है उसको आप अगर एक प्यून की वो निकाल दें तो 70,000, 80,000, 10,000 पोस्ट के लिए आपको लगेगा कि 70,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, ग्रेजुएट्स ने दिया, पोस्ट ग्रेजुएट दे रहे हैं, पीएचडी जो है आज सड़क के ऊपर चाय बेच रहा है। चाय बेचना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन हमारा जो ये एजुकेशन है, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई की है, जिस चीज़ के लिए उसने 10 से 20 साल अपने लगाए हैं, उसके बाद वो चाय बेच रहा है जो कि एक आम नागरिक भी बना के बेच सकता था। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो उसकी ताकत है, वो यूज़ करके हम जनता को उसका सही फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है। इसलिए हमको लगता है कि ये जुमलेबाजी है कि हमने ये बहन स्कीम ला दी, 1500 रुपये वो दे दिए, ये तो बिला वजह का। आप वोट हासिल करने के लिए इस किस्म की स्कीमें लाते हैं, फ्री में बिजली दे दी। आप फ्री में नहीं, आप बहुत कुछ दीजिए, मैं खुश होऊंगा, लेकिन आप किस तरीके से दे रहे हैं? आपके पास क्या ऐसी इनकम आ गई कि आप फ्री बांट रहे हैं? पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, डीजल की प्राइस बढ़ गई, गैस की प्राइस बढ़ गई, एक आम जो जनता खाना खाती है, जो इंसान जो रोज़मर्रा का अपना घर चलाता है, उसका हर एक की कॉस्ट बढ़ गई है, आप उसके बाद आप फ्री बांट रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप फ्री इसलिए बांट रहे हैं कि इलेक्शन सर पे है और आपको वोट मिल जाए, लेकिन आपको फ्री बांटने में कोई जस्टिफिकेशन है नहीं सर। आप पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस देख लीजिए, आपने बढ़ा के हर एक चीज का भाव बढ़ा दिया। उससे अच्छा था कि आप जनता की, आप उसमें, मैं अपने सामने भाई से पूछना चाहूंगा कि इसलिए हम बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी है, आप फेक नैरेटिव लोगों के बीच में ला रहे हैं, वरना आपके पास कोई ऐसी इनकम और कोई आपने काम नहीं कर दिया जी। लेट्स गो टू लेट्स गो टू अरुण सावन साहब। अरुण सावन साहब, जो अभी अभी आपसे फारूकी साहब ने कहा कि आपने हर चीज तो कीमतें बढ़ा दी हैं और फिर आप 1500 रुपए दे रहे हैं लड़की बहन को, लड़का भाव को आप कुछ और दे रहे हैं। मैं मानता हूँ लड़की बहन स्कीम की वजह से सर जबरदस्त प्रभाव पड़ा इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं, मतलब यहाँ इस शो पे हम लोग झूठ नहीं बोलते साहब, जो लड़की बहन स्कीम है उसकी वजह से जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।
पूरी महाराष्ट्र की जनता पे, भले आप जो मर्जी कह लीजिए, भले कांग्रेस जो मर्जी कह रहे, भले कोई और जो मर्जी कह रहे। लेकिन एक और पॉइंट बिफोर आई फॉरगेट, जैसे टोल टैक्स माफ किया, हम भी टोल टैक्स माफ किया जी। हाँ सर, ऐसा क्या आपने अच्छा काम कर दिया कि वो टोल टैक्स माफ कर दिया? मतलब उसको पैसा कहां से आएगा? ठीक है, हर जनता खुश हो जाएगी, आपको हो सकता है दो चार रोड ज्यादा दे दे। लेट्स गो टू सावन साहब। सावन साहब, ठीक है, आपने लाड़की बहन योजना आप लेकर के आए, लाड़का भाऊ योजना लेकर के आप आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की जो अप्रेंटिसशिप योजना है वो भी आप लेकर के आ रहे हैं, 10,000 रुपए मिलेंगे ग्रेजुएट्स को एटलीस्ट एक साल के लिए, वो सब ठीक है सर। लेकिन जो प्राइस राइज का मसला है वो तो है ही ना सर, सबके हमारे सबके सामने है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आज कितनी है सर? 104 रुपए का पेट्रोल है, 96 रुपए का सर डीजल है, कहीं पर 96 है, कहीं पर 94 है, कहीं पर 93 है, मतलब है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हर जगह पे हर प्राइस बढ़ी है, हर कीमत बढ़ी है, दही दूध हर चीज के ऊपर तो जीएसटी लग गया, मक्खन के ऊपर जीएसटी लग गया है। तो अरुण सावंत साहब, हाउ डू यू बैलेंस? मैं मानता हूं इससे चुनाव के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लाड़की बहन योजना वगैरह से, लेकिन जो रियलिटी तो है ना सर, हाउ डू यू बैलेंस द टू? अरुण सावंत साहब बताइए प्लीज। देखिए सर, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल ही देना है तो समझो भी लाडली बहना के ऊपर सरकार ने पैसे खर्च कर रही, सरकार गरीब महिलाओं को उनका जीवन मान ऊंचा करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू करी, जिसकी वजह से जो निचले स्तर की महिलाएं हैं उनको आज हर महीने 1,500 रुपये मिलने लग गए। उस वजह से उनके घर में महिला खुद स्वतंत्र हो गई, उसके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी द्वारा पैसे जाने लग गए, जिसकी वजह से वो अपना घर का खर्चा खुद चलाने लगी, दवा पानी करने लगी, बच्चों की फीस भरने लगी। उसको अपने मर्द के सामने या किसी और के सामने हाथ फैलाना अभी बंद हो गया। अच्छा, अगर ये योजना बुरी है तो फिर मैं फारूक जी से ये पूछता हूँ कि फारूक जी तो एक जेंटलमैन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो एक से एक बढ़कर पहुंचे हुए लोग हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आई, आपने अगर हमें वोट दिए, हमें अगर जितवाया, तो जो आज महायुति सरकार 1,500 रुपया दे रही, हम उसका 2,000 करेंगे या 3,000 करेंगे, हम बढ़ा कर देने के लिए तैयार हैं। तो अगर हमारी योजना बुरी है तो आप तो उसको बंद कर देना चाहिए आपकी सरकार आने के बाद, आप उसको बढ़ाने की बात क्यों करें? ये पहला सवाल रहा मेरा। दूसरा सवाल, फारूकी जी साहब ने ये कहा कि सरकार के पास इतने पैसे आ गए उसकी वजह से सरकार अलग अलग योजनाएं अभी डिक्लेयर कर रही। सरकार अभी योजनाएं डिक्लेयर नहीं कर रही, सरकार पिछले 2.5 साल से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग योजना लाती रही, और अब आखिर में उन्होंने ये जो लाडली बहना है, जो स्टाइपेंड की योजना युवकों को रोजगार देने के लिए, उसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। लाडली बहना के लिए तो इन लोग 2 बार कोर्ट में चले गए, लेकिन कोर्ट ने इनको लताड़ा। जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने कांग्रेस आपस में ही लड़ रही थी, तो हरियाणा के जाट समाज ने, मुस्लिम समाज ने और शेड्यूल कास्ट समाज ने उनको लथाड़ा, उसी प्रकार से यहाँ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का और महाविरोधी आघाड़ी का हरियाणा होने वाला है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और अब की बार 3 बार ये लगातार हारने वाले हैं, और महाराष्ट्र में वो हारने की हैट्रिक करने जा रहे हैं। जनता के हित में पिछले 2.5 साल में जो जो अच्छे काम किए, हर अच्छे काम को इन्होंने विरोध किया, इन्होंने सारी योजनाएं बंद करने के लिए कोशिशें की थी, लेकिन सारी बंद योजनाएं इस सरकार ने शुरू की है। तो ये जो महाविरोधी आघाड़ी, उसको विरोधी आघाड़ी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर योजना को इन लोग विरोध करते आ रहे हैं। ये लोग क्या सरकार चलाएंगे आगे? ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकाला की वही की इंजीनियर बज्जी तल रहे, इंजीनियर जो है वो बज्जी तल रहे हैं। 9,262 गवर्नमेंट स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है सावंत साहब, 2 लाख नौकरियां गवर्नमेंट जॉब्स जो वेकेंट है आपने भरा नहीं आपके कार्यकाल में, तो अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये भी इश्यूज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते सावंत साहब। प्रदीप जी, आपने जो जो सवाल पूछे, किसी भी सवाल को
हम लोग नजरअंदाज ना कर रहे थे और ना करेंगे। ये जो आरोप है ये लगातार हर रोज किए जाने वाले आरोप है, जिसकी वजह से जनता में एक संभ्रम पैदा करने की का प्रयास चल रहा है। लेकिन जो विकास के काम पिछले 2.5 सालों में इस महाराष्ट्र में हुए हैं, उसको जनता अपनी आंखों से महसूस कर रही है, हाथ लगाकर टच करके देख रही है। MTHL के ऊपर से लाखों गाड़ियां जा रही है, कोस्टल रोड के अंदर से सारी गाड़ियां जा रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। ये जो सेवा महिलाओं को जो 1,500 रुपये हम दे रहे हैं, वही पैसा वापस रिटर्न अर्थव्यवस्था के अंदर आ रहा है, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा घूम रहा है। लेकिन इन लोग का काम क्या है? तो सिर्फ विरोध करो और जनता को भ्रमित करो, क्योंकि उसके अलावा हम इलेक्शन में अभी कौन से मुद्दे कहेंगे? इन लोग क्या मुद्दे बोलने वाले, मुझे बताइए। आरोप करने का आदित्य ठाकरे का एक काम है, कांग्रेस के वरेट्टीवार और नाना पटोले जी का काम है, दूसरे अभी यहाँ पे हमारे बहना एक है वहां पे सोलापुर की, वो अभी नई उसने तैयारी की कि विरोध करो। मुझे बताइए, कम से कम 4 मुद्दे तो ले लो आप और उसके ऊपर बात करो कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। इनके पास, इस महाविरोधी आघाड़ी के पास कोई एजेंडा ही अब तक नहीं बना। लेट्स गो टू अंबेडकर साहब, वन सेकंड, साम साहब आपकी बात आ गई। अंबेडकर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन टू थिंग्स। आई कीप कंग्रेचुलेटिंग एवरीबॉडी ऑन दीज टू थिंग्स व्हिच इज फैंटास्टिक बाय द वे। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स परफॉर्मेंस एट कजान अल्फा प्लस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली, एंड द मैनर इन व्हिच द ब्रिक्स समिट हैज थ्रोन अ चैलेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू से दैट हे लिसन, दिस इज द वे टू रन द इकॉनमी, this is an alternative way to run the world. In effect, the US dollar may not be the reserve currency for the world very, very shortly. And that will be all thanks to our Prime Minister, the Brazilian Prime Minister, the Chinese PM, and of course, the Russian President, which is fantastic. Number two, the deal with China, that's another thing, which is absolutely fantastic. Aur by the way, sab logon ko main ye jankari de dun, aaj ki jo jankari aayi hai, aaj, the last Chinese troops have withdrawn to the pre-April 2020 position. Aaj hua hai. Jo pre-April 2020 position thi, fauje wahan par chali gayi hain. Happy Diwali to everybody. This is fantastic. Sir, main aata hoon. Asif saab, mujhe maloom hai aap kya bolne wale hain. Main aata hoon aapke paas. Ek second. Aur yahan par ye bhi mujhe kehna padega, jaisa ki main har baar kehta hoon, ki we must remember Prime Minister P.V. Narasimha Rao, जिनके कार्यकाल में ये एक करार हुआ था चाइना के साथ कि ना कोई हिंदुस्तानी फौजी ना चाइनीज फौजी अपनी बंदूक में गोली रखेगा। नो बुलेट्स आर कैरीड इन द गन्स ऑफ एनी ऑफ द ट्रूप्स आइदर ऑन द चाइनीज साइड और आवर साइड, एंड बोथ साइड्स, बाय द वे, बोथ साइड्स हैव मेंटेन्ड दिस, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड नाउ फॉर द रियल थिंग, अमित साहब, आई वुड लाइक योर फर्स्ट रिएक्शन। द फर्स्ट टू टेंडर्स for the Vadhavan port have already been floated, and I believe interest has been expressed from all over the world. Puri duniya se log aa rahe hain, sari duniya se companies aa rahi hain Vadhavan port mein invest karne ke liye. Ambedkar sahab, aap bataye please. Can't hear you sir. I think aapka phone shayad mute pe ho gaya. हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड है कि जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में लिया है उसका भूमि पूजन भी वही करते हैं और उसका समर्पण भी, देश के प्रति समर्पण भी वही करते हैं। तो इस गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है, पहले एक तो उसका पूरा प्लानिंग जो होता है वो पूरा प्लानिंग अच्छी तरह से होता है, फिर उसके टेंडर्स निकलते हैं ट्रांसपेरेंट वे से, टेंडर्स निकल के वो प्रोजेक्ट फ्लोट होता है और प्रोजेक्ट का काम शुरू करके उनको डेडलाइन दी जाती है, उसके डेडलाइन के पहले ही सब प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड वर्ल्ड ने देखा है। तो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनीज है कॉन्ट्रैक्टिंग में, वो इंडिया के तरफ आने के लिए बहुत उत्सुक है और वो आएगी। इसमें इंडिया का जो आज वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो नाम हो गया है, जो गुडविल क्रिएट हो गया है, जो उसके इंडिया के प्रति जो विश्वास फैला है, उसका ये कारण है। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मोदी जी का वो फोटो दुनिया ने देखा, जिस फोटो में मोदी जी सेंटर में थे, लेफ्ट साइड में उनको चाइना के प्रीमियर थे और राइट साइड में उनके रशिया के प्रीमियर थे, तो ये इनके राजपुत्र दुनिया भर में जाके कुछ भी बोले, मगर दुनिया को पता चल गया कि इंडिया इज एट सेंटर स्टेज
ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम दैट डे। तो यह इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में आ गया है और अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। आपने जैसा राइटली बताया कि अमेरिकन डॉलर से वर्ल्ड करेंसी आ जाए, मगर इंडियन रूपी वर्ल्ड करेंसी कैसे बनाई जाए इसके ऊपर काम चालू है। 16 देशों ने इंडियन करेंसी में इंडिया के साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू किया है, उसके अकाउंट भी खोले हैं। करेक्शन, 24 देशों जी, ओके 24 देशों ने इंडिया के साथ इंडियन रुपीज में ट्रांजैक्शन शुरू किया है और थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अल्टरनेट करेंसी करके इंडियन रुपीज सामने आएगी। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया के पास है। इंडिया का UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या आज वर्ल्ड की हर कंट्री रिक्वेस्ट करके मांग रही है, क्योंकि उसका जो विक्रम है, एक सेकंड में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसा दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर आज वर्ल्ड के पास नहीं है जो इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डेवलप किया है। तो ये सब बातें हो रही है, अभी इनको बता के क्या फायदा है, जिनका व्यू खाली मोदी जी को विरोध करके अपना नाम बड़ा करना है उनको ये बातें बता के क्या। अंबेडकर साहब, मगर देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि विकसित भारत थ्रू महिला सशक्तिकरण, और आप महिला सशक्तिकरण में बहुत काम कर रहे हैं, सबको इट इज नोटिसेबल एंड इट इज आल्सो फेल्ट, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम है महाराष्ट्र इज नंबर 2 व्हेयर क्राइम्स अगेंस्ट वुमन इज कंसर्न्ड। एनसीआरबी का स्टैटिस्टिक्स है, महाराष्ट्र इज नंबर 2, एवरी डे 21 रेप्स आर टेकिंग प्लेस इन महाराष्ट्र। अंबेडकर साहब, जहां आपका जबरदस्त काम चल रहा है महिला सशक्तिकरण, शेतकरी फ्रेंडली योजनाज, 12 घंटा शेतकरी को दिन में बीज इलेक्ट्रिसिटी देना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना, इलेक्ट्रिसिटी पंप देना, but at the same time these crimes against women are not under your control, you cannot be, can we presume this is a law and order failure? Ambedkar sir, definitely not. Law and order problem are to be dealt with in their own fashion. Uska ek modality rehta hai, uske liye toll free phone line nikali jati hai, jo mahilaon ke grievance hai usko uski sunwai ki jati hai, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके लिए महिला अफसरों की नियुक्ति की जाती है, हर पुलिस स्टेशन में महिला अफसर महिला पुलिस होना कंपल्सन किया है, बाद में महिला जो इन डिस्ट्रेस है उसके लिए अलग से हेल्पलाइन का निर्माण किया गया है, अभी जो मार्शल है हर पुलिस स्टेशन के अंदर 2 मार्शल ऐसे रखे हैं जो पूरे दिन रात वो उसमें गश्त डालेंगे और सुनसान जगह पे किसी महिला को मिले या उसको महिला को कुछ तकलीफ है तो उसको मिलेंगे, उसको सुरक्षा देंगे, और महिला ने यदि 108 ऐसे कोई नंबर है उनके सुरक्षा के लिए उसको कॉल किया तो 10 मिनट में उधर पुलिस पहुंच जाती है। ये जो प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, सरकार करती है। अभी समाज की मानसिकता का जब तक सवाल है उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मानसिकता सही करने के लिए सभी राजकीय दलों ने इकट्ठा आके प्रयत्न करना चाहिए। अब अंबेडकर साहब, बिफोर आई गो टू फारूकी साहब, जस्ट वन स्मॉल लिटिल क्वेश्चन, द पीपल्स कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स रेलवेज, दे हैव रिलीज्ड फिगर्स which say that till as of October the 1st 2024 there have been 18 train accidents in India, or October mein bhi 4 hue hain, wo let's not count those, and that has resulted in a lot of injuries, lot of other things and so on and so forth. Sir, what are we doing about it? Because yeah, that seems to be very worrying. Ambedkar sir, very bahut acha question hai aapka. Aapne dekha rahega iske sath mein news reports ki jaise ki koi aadmi log jaake रेल की पटरियों में कुछ सिलेंडर रख रहे हैं, कोई रेल की पटरियों के नट डिले कर रहे हैं, तो यह जानबूझ के किया जा रहा है, मगर उसके ऊपर भी कवच करके एक सिस्टम रेलवे ने डेवलप किया है, उसको सभी रेलवे ट्रेनों में बिठाया जाएगा और उस कवच की वजह से यह जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उसको कम करने का बहुत सख्ती से प्रयत्न चालू है। अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सुप्रिया सुले जी ने रेल मंत्री को रेल मंत्री कहा, सुप्रिया सुले जी ने नागपुर में जब पूरे पटरी से बाहर निकला था गुड्स का जो पूरे रेल, तो उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को रेल मंत्री बनकर थोड़ा काम करना चाहिए अभी। अंबेडकर साहब, आपका मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि सुप्रिया सुले जैसी बड़बोली व्यक्ति का आप बहुत सीरियसली लेते हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि कोई मतदार उसको सीरियसली लेता नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बंबई में बैठ के आप उसको सीरियसली ले रहे, आपका धन्यवाद और आपका अभिनंदन। पटरी से उतरा है सर, नागपुर से पूरे दो डिब्बा पटरी से निकल गया है,
तो बहुत सारे इंसिडेंसेस सर बजाज साहब ने गिनाए आपको कितने ट्रेन इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो दे बिलीव रेल मंत्री रेल मंत्री थोड़ा डिफरेंट हो गए। ये नहीं बात किया कि रेल पटरियों में सिलेंडर रखे जा रहे, रेल पटरियों में पत्थर रखे जा रहे, ये बात आप क्यों नहीं किया? उसके भी इंसिडेंट गिनाओ। तो तारीफ तो पहले तारीफ करते हैं सरकार का, मगर कोई ड्रॉबैक्स है तो उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी इंसिडेंट गिनाओ ना सर, आप एक वजह एक साइड की बात क्यों करते हैं, दोनों बाजू की बात करो ना। लेकिन सर जो एक चीज कहनी पड़ेगी, एक सेकंड सर, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं अंबिकर साहब, कि जहां पे गैस सिलेंडर रखा गया, जहां पे वो स्टील की रॉड रखी गई, प्लैंक रखा गया, अलग अलग कंक्रीट के थिंग्स रखे गए सर, उसकी वजह से एक भी एक्सीडेंट नहीं हो पाया है, कोशिश की गई है। क्योंकि हमारे हमारे सिस्टम ने उसको अवॉइड किया, तो जो एक्सीडेंट हो गए उसकी जब जांच होगी तब आपको पता चलेगा उसका रीजन क्या जो हुए हैं उसमें क्या हुआ है। अभी तक जो पाया गया है उसमें ह्यूमन एरर बहुत आ रहा है, ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें, तो आई होप समथिंग इज बीइंग डन ओवर देयर, बिकॉज आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आपने वंदे भारत ट्रेन चलाई है बहुत जबरदस्त से जबरदस्त ट्रेन आपने इंक्रीज करी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी रेलवे का, जैसे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी अपग्रेडेशन उस स्पीड पर नहीं हो पाई है, बिकॉज इट इज रेलवे ट्रैक इज नॉट लाइक अ रोड, सड़क की तरह नहीं होती कि ट्रेन को आप 120-130 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे आप चला दें, बिकॉज द ट्रैक्स विल नॉट बी एबल टू टेक द प्रेशर, विच इज वाई द कॉन्सेंट्रेशन नाउ इज टू अपग्रेड द ट्रैक्स, दैट इज दैट वर्क इज गोइंग वेरी स्लोली, आई होप इट गैदर्स इनफ मोमेंटम सो दैट देर इज नो मिसमैच between the new trains which are coming and the infrastructure which is there, right? Asif Farooqi sir, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये अभी अंबेकर साहब ने जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात हुई तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में लेडीज पुलिस है और ये वो सब दुनिया भर का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अगर देखें तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चों की एक गैंग आ गई है सर, थोड़ी देर पहले शायद उसका तस्करा आया था पुणे के अंदर, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बच्चे किसी को भी पकड़ के मार रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आपने देखा बाबा सिद्दीकी जो माइनॉरिटी का एक लीडर था, तीन चार बार वो एमएलए रह चुका है, उसके ऑफिस के बाहर इनकी पार्टी का हाथ था और अजीत पवार इनके अलायंस पार्टनर हैं, उनका वो लीडर था, उसका बेटा जो कि एमएलए रह चुका है कांग्रेस पार्टी से और इस वक्त अजीत पवार के साथ में, उसको मारने का दिन दहाड़े वो मार के चले जाते हैं, और इसको ये हमको इस आप स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, गैंग रेप किया हुआ पड़गा का उसको पुलिस पे हमला करता है और वो पुलिस जो है उसको गोली से मार देती है, सारा केस वहीं पे ख़त्म हो गया, और उसके बाद आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छा चला रही है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो मुझको बड़ा ताज्जुब हो रहा है सर कि इन सब चीज़ों को आप लेके और स्कीमें आप चलाते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से आप करेंगे, 1500 रुपये आप देने के बाद सीधा आपको कोई भी इंसान से आप पूछेंगे तो आपको लगेगा कि ये वोट खरीदे जा रहे हैं। आप स्कीमें लाइए, स्कीमें ऐसे लाइए जिससे वो बंदा वो इंसान जो है अपने पैर पे खड़ा हो सके, उस पैसे को वो किसी कारोबार में लगाए, कहीं इन्वेस्ट करें। ये तो क्या है 1500 रुपये आप देते हैं महीने में एक दिन। आसिफ फारूकी साहब, बात यह है कि महायुति का कहना है ये गति वाला सरकार है, आप स्थगति वाला सरकार था, आप हर प्रोजेक्ट को रोक रहे थे, जैसे शिंदे साहब बार बार सबको कहते हैं और उनके स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सावंत साहब कहते हैं, स्थगति सरकार वर्सेस गति सरकार, फेसबुक लाइव सरकार वर्सेस ये सरकार जो एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं आपले दार में आके आपके घर के दरवाजा पर आकर आपको सर्व करते हैं, ये महायुति के सरकार है फारूकी साहब, फेस टू फेस सरकार। सुनिए सावंत साहब का, सुनिए अरुण सावंत साहब का, तो फारूकी साहब ये दिख रहा है, डेवलपमेंट का काम दिख रहा है, यू नो महामार्ग कितने बने, शक्तिपीठ और भी बन रहे हैं, यू नो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर 8 कंपनीज 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेके आए, अभी जहां अंबेकर साहब पुणे में बैठे हैं 8,000 करोड़ का हुंडई का प्लांट लास्ट वीक लगा, तो
गति सरकार वर्सेस तगदी सरकार, फेसबुक लाइव सरकार वर्सेस जो अरुण सावंत साहब बोल रहे हैं, आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे आप कन्विंस करेंगे लोगों को? सर अगर महंगाई बढ़ती है तो इनका सारा डेवलपमेंट, इनका सारा फेल है। बस सिंपल आप बात कीजिए, अगर एक आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल और रिक्शा और गाड़ी और ट्रेन और वो मुहैया नहीं ये कर पा रहे हैं, इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है। आप कांग्रेस की गवर्नमेंट देख लीजिए, इनको हर चीज पे कंट्रोल। फारूकी साहब मैं एक बात बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल ले लो आप या 5 साल ले लो या 2.5 साल ले लो, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसी प्रकार से लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। सरकार ने हर प्रकार से प्रयास किया है कि लोगों की जेब में कैसे किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उनका स्तर बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनका रहनीमान बढ़ाया जाए, लेकिन आप लोगों के नजर में वो नहीं आ रही। आप लोगों के नजर में के ऊपर पट्टी लगी, आपको सिर्फ आरोप, आप सिर्फ आरोपबाजी करते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी बात कहने को आती नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई काम किया होता तो आप उसके ऊपर बात करते। 2.5 साल में आपने कोई काम नहीं किया, आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, आपके मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया 2.5 साल में, वो 2 दिन काम आए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो हमारी जो रुग्णों के लिए सहायता की जो योजना होती मुख्यमंत्री रुग्ण सहायता निधि, उसमें से हमने 350 करोड़ खर्च किए, आपके मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 करोड़ खर्च किए थे। एक छोटा सा एग्जांपल ही काफी आपके लिए। लेकिन एक आम जनता की बात कीजिए कि वो एक आम जनता के ऊपर महंगाई का जितना बोझ बढ़ गया है। आपको मैं आपके रिपोर्ट दिखा रहा हूँ लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। इनको समझा के क्या होगा, इनको समझता था तो हरियाणा में जीत जाते थे, जीतना हारना ही समझते नहीं है। हो सकता है जनता को कुछ दिन और बेवकूफ बना ले, लेकिन आप इस देश की बेवकूफ तो आप बना रहे हो, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, नाना पटोले कर रहे हैं, विजय वडेट्टीवार कर रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम। फारूकी साहब एक सेकंड, सावंत साहब एक सेंटेंस मुझे दे दो। एक आर्गुमेंट है वो ये है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, फारूकी साहब सुधार कर लें, ये कांग्रेस और एनडीए के जितने भी लोग हैं सभी लोग यही कहते हैं और उसमें थोड़ा बहुत दम भी है सर। आप एक तरफ 1500 रुपए दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आप 8000 के 8500 रुपए ले रहे हैं जीएसटी के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, प्राइस राइज के माध्यम से, तो 1500 किस काम का? सर आप ये बताइए ना कि भाई सब्जी इतनी, तरकारी जो है इतनी इतनी ज्यादा महंगी हो गई है आज की तारीख में, आप बाजार में जाइए। आई एग्री सर, बजाज जी सर, सर 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 प्लीज, दिवाली का 1000 रुपया गरीब महिलाओं को देने का सवाल जी, और आप ये जो जीएसटी है, अदर टैक्स है, उसकी जो बात कर रहे हैं उसका कोई तालमेल नहीं है, उसका मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। क्यों? तो देखिए जीएसटी से जो भी पैसे कट होते सरकार की तिजोरी में जाते, वहां से फिर सरकार की तिजोरी से फिर उसी गवर्नमेंट उसी राज्य को आती है, उसी पैसों में से राज्य का डेवलपमेंट होते रहता है, जनता के हाथ में ही फिर से वो पैसे आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एग्जाम्पल ही मैंने अभी दिया कि 2.5 साल में करोड़ों रुपया आपकी तिजोरी में सरकार के था, लेकिन जो रुग्ण सहायता निधि होती है उसमें आपने सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि पैसा था, और हमारे मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ रुपए गरीबों के हेल्थ के ऊपर खर्च किए, आप अनेक लोगों की जान बचाई, आप लोग सिग्नेचर करने को आपके हाथ थर थर कांपते थे, ऐसा आपके मुख्यमंत्री के बारे में बोला जाता था जो बाबा पृथ्वीराज चौहान थे। हमारे मुख्यमंत्री हर दिन 500 से 1000 सिग्नेचर करते हर एक लेटर के ऊपर, उसको भी आप नाम रखते हो, दुरुस्त बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अरुण सावंत साहब उससे एक एक तकलीफ हुई है, आपको तकलीफ हुई है, मुझे नहीं हुई है, कांग्रेस को नहीं हुई है, आपको हुई है। बोलिए, आपके मुख्यमंत्री जो है वो इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और मैं ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतना मेहनती मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। बिल्कुल उसकी सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर उसकी वजह से क्या हुआ है कि अंबेडकर साहब की जो पार्टी है वो जरा बैकग्राउंड में चली गई है, भले वो माने या ना माने, I'm sure he will not agree with me. लेकिन आज की तारीख में जब भी कोई बात करता है
तो शिंदे साहब की बात करता है, देवेंद्र फडणवीस साहब जो है उनको दो स्टेप पीछे लेने पड़ गए। और सावंत साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। बजाज जी आपकी बात 100% खरी है जी, क्योंकि क्या है देखिए, फडणवीस साहब अपनी जगह पर बड़े हैं, मुख्यमंत्री साहब अपनी जगह पर बड़े हैं और अजीत पवार जी, लेकिन इन तीनों में अगर मेहनत दिन रात भागदौड़ करना, जनता में जाकर घुल मिल जाना, जनता को एनी टाइम अप्रोच होना, इसमें बेशक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी नंबर वन पे हैं। और इसलिए आज पूरे देश भर में देश की जनता की नजर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर लगी हुई है जी। बिल्कुल, इन्हें 5 करोड़ टोल टैक्स में 5 करोड़ पकड़ा, क्या ये नया एक सिस्टम है? इन्हों एमएलए के पास इतना पैसा, इन्हों सावंत साहब ये इलेक्शन क्या पूरे पैसे के बल पर लड़ने वाले हो? पूरे देश क्या देख रहे, महाराष्ट्र देश के लोग क्या देख रहे? पूरे देश को, पूरे देश को 15 करोड़ 10 करोड़ निकाल दिया, तो क्या इलेक्शन पूरे एकनाथ शिंदे जी, जो यूबीटी का आरोप है शिंदे साहब पर कि पैसा 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 पैसा, क्या पूरे इलेक्शन पैसे के बल पर लड़ने वाले? प्रदीप जी, पूरा इलेक्शन पैसे के बलबूते पर नहीं, तो जनता के विश्वास के बलबूते, और पिछले 2.5 साल में जो काम हमने किए, जो पिछले 20 साल में कांग्रेस कर नहीं सकी, उसकी ताकत पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और जो बात आपने कही कि 5 करोड़ पकड़े गए, ये जो पैसे पकड़े गए किसके क्या ने अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इनके जो प्रवक्ता है विश्व प्रवक्ता संजय राउत जी क्या बयानबाजी कर रहे थे कि एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी पकड़ी गई, 5 नहीं 6 करोड़ पकड़े गए, 6 नहीं 15 करोड़ पकड़े गए, 15 नहीं और काफी गाड़ियां पीछे से आ रही थी, क्या जो हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकते रहने का और लोगों का मजाक बनने का। इसके अलावा यूबीटी के पास अभी कुछ बचा नहीं है और इनके ऊपर लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आरोप करते हैं ये सब बेबुनियाद आरोप होते हैं, ये लोगों को अभी समझ चुका है, लोग भी उसका हंसी मजाक उड़ाते और छोड़ देते। लोगों को प्रगति चाहिए, विश्वास चाहिए, इस महाराष्ट्र को नंबर वन बनाने का सपना जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और इस महाराष्ट्र ने देखा है, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग और उसी के बलबूते के ऊपर ये सरकार जीत कर फिर से आएगी। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू अंबिकर साहब। अंबिकर साहब, अंबिकर साहब, जो अभी अभी अरुण सावंत जी ने बोला, ही एग्रीड विद मी के जहां तक के एकनाथ शिंदे जी का प्रश्न है, इस प्रकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने पहले देखे नहीं है। तो सर, हम ये मान करके चले कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस has been pushed into the background by Shinde sir. ये आपके न्यूज रूम में बैठ के जो क्या हसीन सपने देखते हैं ना, उसका एक सर इसमें ना हसीना है ना कुछ और, तो हसीन सपने कहां से आ गए? आप मुझे बताओ सर, शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कौन सी हसीना है कि हम हसीन सपने देखेंगे, बताइए ना सर प्लीज। आप 2019 में ये बात करते थे जब देवेंद्र जी इलेक्शन लीड कर रहे थे, हर कोई आदमी, आपने भी खुद बोला रहेगा कि महाराष्ट्र ने ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं है, ये कॉन्टेम्पररी सेंस किया कॉन्टेम्पररी सेंस है आपका जी। और ये कॉन्टेम्पररी सेंस जो है वो हर समय में बदलता रहता है, उस समय में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अच्छा काम किया, आज हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब है उन्होंने अच्छा काम किया, ये महायुति का क्रेडिट है कि उनको अच्छा काम कर रहे वो, और उनकी खुद की मेहनत है उसको हम भी मानते हैं। उसके लिए देवेंद्र जी नीचे है क्या, एकनाथ शिंदे ऊपर है, ये बात आपके न्यूज रूम में चलती है, हमारे महायुति में नहीं चलती। क्या बात है साहब, अंबेडकर साहब फिर भी बहुत, यू नो, ये सरकार गरीबों का नहीं है, कांग्रेस लोगों को इंप्रेस करने के लिए जीएसटी को जो गब्बर सिंह टैक्स, वापस राहुल गांधी जी ने हाईलाइट करके कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स गरीबों के एक प्रॉब्लमेटिक कि गरीब लोग का जो भी है, ट्रैक्टर है 12% आपने जीएसटी लगाया, स्टेशनरी 18%, घी में 12% और हेलीकॉप्टर, यू नो, क्रूज शिप, ये एयरफेयर 5%, तो ना हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई दिस? ये तो हकीकत है कि जो फार्मर्स के चीज है उसमें जीएसटी ज्यादा है और जो लग्जरी आइटम्स है उसमें कम है, तो आप कह सकते डिफरेंस जो है किस प्रकार से आप यू नो लोगों को समझाएंगे कि आपके हित में है वो? आप आधा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कांग्रेस के, और कांग्रेस के प्रवक्ता जैसी बात करते हैं तो कांग्रेस की बात के ऊपर आपको डिबेट रखना है तो मुझे आपके पॉइंट पहले भेज दीजिए, मैं आपको टैक्स निकाल के भेज दूंगा। जीएसटी सही बात सुन लो, मेरी बात सुन लो,
जीएसटी में जो डिफरेंस है रेट ऑफ टैक्स में वो मुझे मालूम है, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ, और उसमें जो हाईएस्ट टैक्स है उसको सिन गुड्स ऐसा नाम है। सिन गुड्स में क्या आता है, तो लॉटरी का टिकट आता है, बाद में जो खेल खेले जाते हैं इसे गोवा में उस वो टैक्स आता है, वो सब कंपनियों पे 28% टैक्स है, दारू पे टैक्स है, इस पे टैक्स है, उस पे टैक्स है, ये सिन गुड्स को बहुत ज़्यादा टैक्स है। अभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में कोई टेक्निकल इक्विपमेंट है, कोई मैन्युअल इक्विपमेंट है, तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर गुड्स को रिलीफ दिया गया है। यदि आपके ध्यान में ऐसा कोई इक्विपमेंट आता है कि बाबा जिसके ऊपर ज्यादा टैक्स है तो मुझे उसका इक्विपमेंट का नाम भेजिए, हमारा एक जीएसटी काउंसिल करके रहता है, उसमें कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के, सब राज्य के मुख्यमंत्री और उसके उप मुख्यमंत्री और उसके अर्थमंत्री बैठे है, और वो अर्थमंत्री रेट डिसाइड करते, भाजपा अकेला रेट डिसाइड नहीं करता, महाराष्ट्र में उसका कोई रेट डिसाइड नहीं होता, उसका नाम है जीएसटी काउंसिल, और वो हर महीना मिलते हैं और हर महीना नए नए सुधार करते हैं। तो आपको ऐसा कोई इंसिडेंस मालूम है तो मुझे जरूर नोटिफाई कर दीजिए, मैं जरूर सही जगह पे उसको पहुंचाऊंगा। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल जी। आसिफ फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, अभी आप लोग बोल रहे थे अंबेडकर जी कि फडणवीस जी और शिंदे जी में वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है, फडणवीस जी डेफिनेटली, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा सर, फडणवीस जी और बीजेपी ने साफ कहा था कि दाऊद के आदमी को, जो कि नवाब मलिक को उन्होंने बताया था, हम किसी भी तरीके से अपनी पार्टी का सिंबल नहीं होने देंगे, और मैंने देखा कि आज वो जो है अजीत पवार साहब की पार्टी से सिंबल से वो लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तो हो चुकी ना फारूकी जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी गैंगस्टर या इस किस्म के कोई भी लोग हों जिसके ऊपर इल्जाम लग गया हो, वो कोई इस किस्म की पार्टियों के अंदर इलेक्शन आके लड़े, लेकिन हमने देखा कि फडणवीस जी का गैंगस्टर आपकी जो सहयोगी है बटा जो है उनके साथ मिले हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करो। नहीं, आप सुनिए ना सर, आप सुनिए, मैं कहां आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आईना दिखा रहा हूं आपको। तो हमको ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आज से 2 साल पहले जिस तरीके से गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बनाई गई थी, डेफिनेटली फडणवीस जी वो उसके एक इंजीनियरिंग उन्होंने जिस तरीके से की और मेमारी की, मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कोई ऐसा शख्स पॉलिटिशियन था जो इस तरीके से काम कर लेता और इतनी बड़ी गवर्नमेंट को गिरा के एक बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ खड़ी कर दी। एप्रिशिएशन मैं आज तक एप्रिशिएट करता हूँ, और उस आदमी ने सेक्रीफाइस भी किया, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन उसके बाद आज उसकी एक जुबान ये रह गई कि एक कैंडिडेट रूसी अलायंस पार्टी का वो बोलता रह गया, लेकिन आज वो उसी सिंबल से लड़ रहा है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस आदमी जी बोले सर, एक छोटा सा आईना मैं भी फारूकी जी को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछले लोकसभा में इन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा ढोल बजाया कि ये जो एनडीए सरकार है वो मुस्लिम समाज हो या फिर आदिवासी समाज हो, एक मिनट, आदिवासी समाज सुनिए ना भाई साहब, हम ये तो बोल ही नहीं रहे, आप भूल गए अपना 400 पार। अरे भाई साहब वही बोल रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ये जो 400 पार का नारा था उसी के ऊपर इन्होंने क्या आरोप लगाए कि अभी ये संविधान बदलने जा रहे हैं, अभी आरक्षण रद्द कर देंगे, ये मुस्लिमों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भगाएंगे, लेकिन इनकी असलियत आपकी असलियत में बताता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की असलियत में बताता हूँ, एक पहले बोले सुनिए ना, अरे भाई साहब आप सुनिए जरा, आपने नाम राम मंदिर, आप देखो जो आप जनता तक बात पहुँचाना नहीं चाहते, हमारी सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप बीच में बात कर रहे हो, आप नहीं, नहीं, बीच में आप बोल रहे हैं ना, फिर देखिए आपकी गवर्नमेंट हमने आईना दिखा रहा हूँ, आप आईना दिखाइए ना, आईना दिखा रहा हूँ, अरे आईने में देखने की कोशिश करो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपने हमारी जुमलेबाजी कर सकते हैं, आप आईना नहीं दिखा सकते, सुनिए तो आपको आईना दिखेगा सर, प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना बड़ा पवित्र मंदिर बनवाया,
आप पूरी बीजेपी को इसमें बात करते रहेंगे, वो आपके साथ बहस कर रहे हैं। सर हवन कर, सर मुझे जाना है, दूसरे को बोलने दीजिए। अंबेडकर साहब थैंक यू वेरी मच, खुद ही कर लिया उन्होंने। जय श्री राम सर, एंड वी विल सेंड यू द लिस्ट। फैक्ट्री खोलना चाहिए और जीएसटी में चाहिए लिस्ट। थैंक यू, आपका हो गया बात करके? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ सर, मैं तो आईना निकाल रहा हूं, देखिए ना। आप बात करते रहिए, आप बताइए ना, फर्क मिस कर रहा है, सुनिए आईना तो सुनिए ना, फर्क मिस कर रहा है, ये बताइए आप। बोलिए 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 साहब साहब बोलिए। मेरी मस्जिद में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या वो इमामत कर रहा है? वहाँ तो वो एक हक है किसी पूजा पाठ करने का, उसको दीजिए आप, वो भी आपने उसके हाथ से ले लिया। अभी मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप गलत मान जाएंगे। नहीं नहीं आप वकालत कर रहे हो फारूक जी, वो पार्टी बेईमान और दगाबाज पार्टी, उसका मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। उसमें आपकी बात मानेंगे कि आप जुमलेबाजी खूब। कर्नाटक में जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना लाई इनकी सरकार ने, कांग्रेस ने, कर्नाटक में वहां पर सरकार बनने के पहले इसी प्रकार की योजना लाई थी, और वहां के जो एससी एसटी समाज है उस समाज का इन्होंने 12,748 करोड़ रुपया हड़प किया और दूसरी जगह पे टर्न किया, और वहां पर वो जीत कर आएगा। और यहाँ पर महाराष्ट्र में वो यही इल्जाम लगा रहे कि हम यहाँ पर 12 ये जो महा ये जो योजना है हमारी उसके ऊपर पैसा खर्च करे, हमने दलितों के साथ या एससी एसटी के साथ दगाबाजी की नहीं, हमने उसके लिए 63,000 करोड़ रुपया बजट में अलग से रखा और 9 महीने तक उसका प्रावधान करके रखा है, फिर भी आप उसके ऊपर इल्जाम कर रहे हो, उसके ऊपर आरोप कर रहे हो, यही दगाबाजी। एक सवाल है आपसे, ये तो ठीक है, ये तो बजट एलोकेशन थी, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज पार्ट ऑफ द बजट, बजट एलोकेशन थी नेचुरली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एलोकेट किया होगा भाई इतना पैसा, ये पैसा इसके लिए एलोकेटेड है इतने महीने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, जब तक नेक्स्ट बजट आएगा उसके बाद देखेंगे किसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, किस तरीके से कंटिन्यू करना है। लेकिन सर एक चीज बताइए, अब समवेयर अराउंड आई थिंक 32,000 करोड़ वर्थ ऑफ मनी टू बी पेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्टर्स, म्यूनिसिपैलिटी कॉन्ट्रैक्टर, वो बेचारे आजाद मैदान पे बैठे हैं अभी तक कॉन्ट्रैक्टर सर, 32,000 करोड़ सर उनका अभी तक नहीं दिया है, वो तो दे दो सर। बोलिए बजाज जी, इस बात की सच्चाई तक जाने की जरूरी है। हाँ बोलिए ना, ये जो बात कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सच्चाई वहां ढूंढेगी जी। मजाक करने के लिए अगर आप इस चैनल पर आए तो कम से कम थोड़ी देर रुकिए, हमें हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके साथ हम मजाक करते बैठे, वक्त नहीं है। फारूकी साहब आई नीड टू नो, और चैनल पर जाइए आप, फारूकी साहब आई नीड टू नो इफ यू डोंट माइंड, उन्होंने जो सवाल, अरुण सावंत साहब बताइए इसकी सच्चाई क्या है सर, ये 20,000 करोड़ की सच्चाई क्या है? बोगस लोग उनको वहां पर जाके बिठाया और बोला है कि आरोप करते रहो इलेक्शन होने तक ताकि उसका कुछ बेनिफिट हमें मिले, और इसकी कोई सच्चाई नहीं है सर। दे आर नॉट ओड एनी मनी, सारे बिल क्लियर है, ये बोल रहे हैं बजाज जी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बिल क्लियर है, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई नहीं है सर, कभी भी नहीं होती 100% सच्चाई, कहां होती है? कॉन्ट्रैक्टर वहां पर जाके बैठे हुए और चिल्लम चाली कर रहे हैं, इस बात की सच्चाई कुछ और है, वो अगर जाननी है तो कभी अलग से उसके ऊपर डिबेट हम करेंगे जी। फारूकी साहब आप कुछ बोलने वाले थे कि अब आप बोले, फारूकी साहब प्लीज। नहीं सर, ये जुमलेबाजी से ये हुकूमत करना चाहते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कहीं पे भी नहीं लेते हैं, जहां इनकी फंसती है ये एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब दे देते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, रेलवे में एक्सीडेंट हो रहा हो, बोले वो रेलवे की परेशानी है, और मुझको हंसी आती है, यानी गवर्नमेंट का काम खाली जो है 1,500-1,000 रुपये दे के और अपनी हुकूमत को लेके आ जाना है वोट लेके, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको तो खुश होना चाहिए सर, इसका मतलब आपकी सरकार आ रही है, इसका मतलब अगर यही सच्चाई है तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम लोग तकलीफ में उसी वक्त आ सकते हैं अगर हमारे नेता आपस में एक दूसरे से कोई गड़बड़ी ना करें। फारूकी साहब डेवलपमेंट का वो स्तर हम लोग देख रहे हैं जो कभी जो बीजेपी और महायुति एकनाथ शिंदे जी का कहना है जो कभी नहीं देखा महाराष्ट्र में, समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, मुंबई में 300 एकड़ सेंट्रल पार्क के लिए शिंदे साहब ने जगह कर दिया, हार्ट ऑफ द 76,000 करोड़ वाधवान पोर्ट, 8,000 करोड़ का अभी ही हुंडई का प्लांट पुणे में लगे, 80,000 करोड़ जो RRP सेमीकंडक्टर, JNW ग्रीन मोबिलिटी, अवांडा इलेक्ट्रो, पर्नाउट रिकॉर्ड, ये सब दिख रहे हैं फारूकी साहब।
आप कह रहे कैसे इसको जुमला बोल सकते हो, और लाड़की बहन लाड़का बहू, अब लाड़का शेतकरी, शेतकरी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक निर्णय, 12 घंटा दिन में उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, ये कभी पहले हुआ नहीं था। फारूकी साहब कैसे आप इसको कैसे चैलेंज करोगे, समझ में नहीं आ रहा, बोलिए फारूकी साहब। नहीं सर, जब हमारी हुकूमत जब आएगी तो हम लोग कोई 1500-1000 रुपए वाली स्कीम नहीं लेके आएंगे, हम वो स्कीमें लेके आएंगे। नाना पटोले, वडेट्टीवार और सब ला रहे, आप क्या बात करते हो? नहीं नहीं सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, हम वो स्कीमें लेके आएंगे जिससे जनता अपने पैर पे खड़ी हो सके। ये नहीं कि 1500 रुपए ले जाके KFC और मैकडॉनल्ड्स में एक दिन अपने 8000 रुपए है फारूकी साहब। हम पेट्रोल की कीमतों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, सर हम गैस की कीमतों पे कंट्रोल करेंगे, हम डॉलर का गिर गया बढ़ गया है हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, आज भाजी तरकारी दाल चावल के भाव इतने बढ़ चुके हैं हम उसको कंट्रोल करेंगे। एक अगर ये गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल डीजल पे कर ले, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्रदीप जी जब हमारी सरकार बनी ना उसी महीने में 5 रुपया हमने कम किया था पेट्रोल डीजल का, ये बात इनको बताइए। 5 रुपया कम करके 50 रुपया बढ़ा दिया सर आपने, यही तो आपका ये फॉर्मूला है आपका सर, ये तो आपकी समझ नहीं है। 1500 रुपए दे के आप 10000 रुपए पीछे से ले लेते हैं, बात करना इतना ही आता है और कुछ नहीं। सावंत साहब इसमें आपका आपका कोई हाथ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हैं और आप बीजेपी में भी नहीं है, सेंट्रल पार्टी आपकी है नहीं। एकनाथ शिंदे साहब जितना काम कर सकते हैं जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके काम के ऊपर कोई सवालिया निशान लगा सकता है, नहीं लगा सकता सर, जो मर्जी करें, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन जहां तक डॉलर का सवाल है सर, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर दैट, दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, द डॉलर हैज रीच्ड इट्स पीक वैल्यू 84.09 84 रुपए, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम उसको नीचे लेके आएंगे जी, 84.09 रुपए का डॉलर है सर, तो उससे पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम कैसे होगी, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूं जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, भले फारूकी साहब की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस सरकार भी आ जाए, वो नहीं होगा सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। नंबर टू, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, FMCG जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी इतनी रहेंगी, वो लेवल यही रहेगी सर, भले हम एक दूसरे को अटैक करते रहें। और जहां तक LPG गैस सिलेंडर वगैरह का सवाल है, फिर दोबारा अगर फारूकी साहब सुनने वाली बात है, फिर दोबारा अगर आपने बड़ी बड़ी सब्सिडी देनी शुरू कर दी तो देश के ऊपर इतना बड़ा इंटरेस्ट बर्डन पड़ जाएगा, इतना बड़ा इंटरेस्ट बर्डन पड़ जाएगा, आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन सावंत साहब, मैं आपसे पूछता हूं सर, महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा जो है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर है सर। यस बिल्कुल है, तो मैं एक बात बोलता हूँ सर, उस पर आप इंटरेस्ट कैसे देंगे, ये लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकारी, उसका तो इंटरेस्ट बटन बढ़ जाएगा सर, दिसंबर जनवरी के अंदर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है, कैसे देंगे सर, 50,000 करोड़ देना पड़ेगा। बोलिए सर। बजाज जी और प्रदीप जी, आप दोनों होशियार एंकर हो, आपको भली भांति सब मालूम है कि ऐसी कोई भी सरकार अब तक नहीं आई जिन्होंने विदाउट लोन लिए अपनी सरकार चलाई, हर सरकार लोन लेकर अपनी राजनीति चलाती रहती, अपनी अर्थव्यवस्था चला रहती। अभी भी महाराष्ट्र सरकार के पास 5% लोन लेने का प्रावधान है, और ये जो लोन लेकर सरकार, इट इज नॉट बीन यूज्ड, करेक्ट, यस, और कोई भी सरकार विदाउट लोन लिए नहीं चलती बजाज जी, सिर्फ इतना ही है, हर साल का जब बजट बनता है उस वक्त सरकार पिछला हफ्ता चुकाते रहती, नया लोन रहते रहती, इस प्रकार से ये गाढ़ा जो है सरकार का चलते रहता है। लेकिन ये जो कुछ प्रवक्ता होते हैं और कुछ नेता होते हैं, वो क्या है, बदनामी करने के लिए जनता में कुछ ऐसी बातें फैलाते हैं जिसके आम जनता को ऐसा लगे कि देश कर्जे में डूब चुका है और खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा बिल्कुल सर, आपने भी किया था सर, मोदी जी ने भी तो यही किया था, ऐसी क्या बात है, ऐसा नहीं है, जब भी कोई ऑपोजिशन में होता है यही बात करता है सर, इट इज नथिंग न्यू, उसमें क्या है, बातें करो विरोध में बातें करो, लेकिन जिस प्रकार से फारूकी जी भाई साहब बोल रहे कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे पर यहाँ पे विकास हुआ, वो जो बातें आपने गिनाई इनको कुछ सर, आपने हिंट दे दिया, आइंदा हम लोग तैयार है, 2 लाख की जगह अब 3 लाख करोड़ हो जाएगा सर जी, हम लोग तैयार है, लोन पे गवर्नमेंट चलने वाली है, इसी प्रकार से सरकार चलाई जाती है। लेकिन सावंत साहब और फारूकी साहब, सर आइंदा जो है 2 लाख का
पौने दो नहीं होने वाला है, 3 लाख करोड़ होने वाला। लेकिन फारूकी साहब और सावन साहब, कर्जा बढ़ गया इससे कोई खतरा नहीं है, उस कर्जे को इस्तेमाल कैसे किया गया सबसे बड़ी बात वो है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया गया, क्या नए नए चेक डैम बने, क्या किसानों की प्रगति हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, शो बहुत लंबा हो जाएगा सर, दिवाली का टाइम है, मैं इसको ज्यादा बहुत ज्यादा उसको मैं लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं डालना चाहता। मुझे एक सेंटेंस कहने दो बजाय जी। बोलिए सर प्लीज। अभी फारूकी भाई साहब जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी महाविरोधी आघाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अभी उनका जो आखिरी स्टेटमेंट था उसमें ये कहा था कि सिर्फ 1,500 रुपया देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो 1,500 रुपया इस सरकार ने दिया है गरीबों को, वो इन लोग 1-2 दिन बर्गर और पिज्जा खा के उड़ाएंगे। तो भाई साहब आपने गरीबों का मजाक उड़ाया है, आम जो गरीबों को जो 1,500 रुपये महिलाओं को जा रहे हैं उसमें से वो अपनी दवाई बच्चों का इलाज कर रही है और अपना घर चलाने की कोशिश करे। लेकिन दवाई और इलाज तो मुफ्त था सर, और यही लोग आपको दिखा देंगे आपकी जब आने वाले इलेक्शन में, ये भी ध्यान रखना। सावंत साहब ये 1,500 रुपए पीछे, ये एक मिनट फारूकी साहब प्लीज फारूकी साहब एक सेकंड, ये 1,500 रुपए सर बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल के लिए नहीं था सर, ये 1,500 रुपए आत्मसम्मान के लिए था, बिल्कुल सही, गरीबों के। और ये सरकार का ये वादा है और दावा है कि महाराष्ट्र में इलाज मुफ्त में हो रहा है, तो उसको 1,500 रुपए यहाँ पे खर्चने की क्या जरूरत हो गई सर। जरा गलती कर गए आप सावंत साहब, थोड़ी सी गलती कर गए आप सर। एक गांव की महिला, ये जो महिला जो होती ना जी, उस 1,500 में अनेक उपयोग करती जी, कभी बच्चों के दवाई लेती, कभी खुद की लेती, कभी 5 सुपारी लेती, तो कभी अपना घर चलाने के लिए भी उसमें से यूज करती पैसे। सर अलग सम्मान के लिए 1,500 रुपए बहुत होते हैं, स्पेशली गाँव में, गाँव खेड़े के अंदर सर 500 रुपए भी बहुत होते हैं। आप छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं, जैसा प्रदीप जी ने अभी एग्जाम्पल दिया सर, गढ़चिरौली तो मैं पूरा घुमा हुआ हूँ, गढ़चिरौली वो जगह है जहां पर हमारे आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री आरआर पाटिल साहब ने जाने से मना कर दिया था, सिर्फ डिवीजन हेडक्वार्टर्स मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जाते थे हर महीने, एकनाथ शिंदे हर जगह गए हैं सर, हम लोग तो घूम के आए वहां पे, पूरा घूम घाम के आए, हमने पाटिल साहब को पूछा सर आगे चलिए, नहीं ऑपोजिशन विल प्रेज यू, डू यू प्रेज दी ऑपोजिशन, आपने आज तक कभी विपक्षी तारीफ करी है, आपने तो नहीं करी ना सर, तो फिर वो आपकी तारीफ क्यों करेंगे। बजाज जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, जब कुछ अच्छा काम किया था उस वक्त मैंने सराहा था, मुझे अभी भी आज भी मैं वो डिबेट मेरे देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे याद है मैंने कहा है, भले मेरी पार्टी मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैंने उसमें ये बात जरूर की कि मैं इस बात को सहा मतलब उसकी सराहना करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसे और भी लोग हों फारूकी साहब, लेकिन एक चीज तो मैं भूल गया आपको कहना, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन वन थिंग सर, राहुल गांधी जी का जो यूट्यूब चैनल है इतना पॉपुलर हो गया बाप रे बाप, और स्पेशली जो सेबी के ऊपर जो आजकल वो अपने वीडियो डाल रहे हैं, दे आर रियली फैंटास्टिक। राहुल गांधी जी को जर्नलिस्ट होना चाहिए था सर, मुझे ऐसा लगता है, वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। फारूकी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप, चलते चलते प्लीज। नहीं देखिए, राहुल जी जो है वो देश की जो पोजीशन है, जो उसका बेस है, वो उसको मजबूत करने में बिलीव करते हैं, अपनी देश की इज्जत बाहर भी विदेशों में जाके गवाते भी है सर, ये लोग को पेट में दर्द होता है जी। और मोदी जी जाके वहाँ बिरयानी खा के आते हैं पाकिस्तान, वो चलेगा, वो बिरयानी खाना ठीक है, लेकिन अपने देश को बेइज्जत करना तो उचित नहीं है ना। उसके बाद जो है आप लोग ढिंडोरा पीटते हैं और वो आके हमको परेशान करता है, वहाँ बम मारता है तो रोते हैं यहाँ, और अभी आज तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि चाइना जो घुस गया है, लेकिन अभी बजाज जी ने जब मुझसे कहा कि वो 2020 की लाइन के पीछे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो अंदर आ गए थे सर कि पीछे जा रहे हैं सर, वो अनाउंस नहीं कर सकते थे। I'll be very frank with you, sir. Deep. तो इसीलिए हम डिप्लोमेटिकली ये जबरन बोलना पड़ा कि कोई नहीं आया कोई नहीं गया, लेट्स बी वेरी क्लियर, सरकार का सर सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर क्या होता है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के अंदर टोटल कोऑपरेशन होनी चाहिए, जैसे आपको याद होगा 1971 वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या तारीफ करी थी इंदिरा जी की, और सारी ऑपोजिशन बिल्कुल साथ खड़ी थी इंदिरा जी के, लेट्स बी वेरी क्लियर। और क्या 1962 वॉर और फारूकी साहब इतना लंबा हिस्ट्री, इंडो चाइना बॉर्डर वाज ऑलवेज अ कॉज ऑफ कंसर्न और इट स्टिल इज अ प्रॉब्लम, और वहां पर कुछ ना कुछ बोलना, बिकॉज कांग्रेस पे यह आरोप है कि आपने चाइना बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल काम कभी नहीं किया,
आज ये आलम है कि मोदी जी ने लद्दाख और पूरे एरिया में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड यू नो लास्ट विलेज एज द फर्स्ट विलेज कंसिडर करके आपका ये पॉलिसी कांग्रेस का ये पॉलिसी था कि यार वो चाइना बॉर्डर को टच मत करो, हम लोग टच करेंगे बिल्डअप करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बट ये सरकार ने थोड़ा चेंज किया, बट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी आई द वे, बट ऑल द सेम आवर बॉयज एंड गर्ल्स बाय द वे देयर आर हेल ऑफ अ लॉट ऑफ गर्ल्स ओवर देयर at the moment, let me tell you this, especially in on the border in the northeast and even in Ladakh and elsewhere, they're going to have a very good Diwali. बहुत अच्छी दिवाली होने वाली है सर इस बार चाइना के बॉर्डर पे, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है. उन सब लोगों को तह दिल से हम लोग शुक्रिया करते हैं कि वो लोग वहाँ पर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं. Let's be very clear. Sure, and happy Diwali to both of you. आप दोनों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारक हो आपको, और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को जनता जनार्दन जिसको भी चूज करे, जिसको भी चुने, आगे जाकर के वो महाराष्ट्र का भला करे, हम तो यही चाहते हैं. थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच अरुण सावंत जी, आसिफ फारूकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर हैप्पी हैप्पी दिवाली. थैंक यू आप सब लोगों को भी हैप्पी हैप्पी दिवाली. 23 तारीख को हम लोग जीत के आ रहे हैं. क्या बात है सर, वंडरफुल. सपने में, सपने में सर, अगर कोई सपने देखेगा नहीं तो साकार कैसे होंगे सड़क के ऊपर. सपने में जीत रहे हैं, यात्रा करते हैं सर हम लोग. चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरुण सावंत जी, थैंक यू सो मच आसिफ फारूकी साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू. राइट, दैट इज जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो, एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन फ्रॉम द एंटायर स्टाफ एट नेशन नाउ. और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं हैरान हुआ, अभी 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 घंटी नहीं बजी है, लेकिन जरा जरूर बजा दीजिएगा, अगर ना भी बजे तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स. आई एम गेटिंग लवली कमेंट्स बाय द वे ऑन यस्टरडे शो. वो कोई कोई क्या बोलता है, अमिताभ बच्चन. अरे सर अमिताभ बच्चन की कोई कादरी साहब है, आप अभी तक इतना बोलते रहते थे ना डॉक्टर कादरी, डॉक्टर कादरी. yes, नामियार साहब. yes, तो yes. कोई कादरी साहब है जिन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलने की कोशिश मत करो और तू बीजेपी का दलाल है, ऐसा करके मुझको कहा है. वाह जबरदस्त, आई फील सो लव्ड. और उसके अलावा पंडित कमल किशोर जी, अरे क्या क्या उनके उनकी उनकी तो मतलब इतनी तारीफ हुई है कहने की हद नहीं, जबरदस्त. उसके पहले हमारी जो डॉक्टर सीमा मलिक है उनकी बहुत तारीफ हुई कहने की हद नहीं, को 20-25 कमेंट आए उनके ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स, वी लव रीडिंग योर कमेंट्स. और आपको जो लिखना हो लीजिए, जो लिखना हो प्लीज लिखिए, आई वुड लव टू रीड देम बोथ. प्रदीप जी एंड आई रियली एंजॉय रीडिंग योर कमेंट्स. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद.